हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 8 फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 8 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा यूसेज की लिमिट है, तो डाटा यूसेज लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं ओप्पो रीनो 8 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप डाटा वार्निंग की लिमिट को आप सेट कर सकते हैं ओप्पो रीनो 8 5G फ़ोन में, और कैसे डाटा वार्निंग या डाटा लिमिट को आप सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी, जो भी आपकी होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं। जिससे यहाँ से जो भी आप डाटा लिमिट या डाटा यूसेज लिमिट को सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सर्च करना है डाटा लिमिट, तो डाटा लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी लिमिट वगैरह आप सेट करना चाहते हैं या यूसेज लिमिट को सेट करना चाहते हैं, तो आप कर पाएंगे। हम इसमें 1 GB यूसेज लिमिट को आप सेट कर देंगे तो सेट हो जाएगी और आपके फ़ोन में डाटा लिमिट लग जाएगी। तो इस तरीके से भी आप डाटा यूसेज की लिमिट को सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में और डाटा लिमिट लगा सकते हैं फ़ोन में। सिंपली अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी डाटा यूसेज एंड डाटा लिमिट को सेट कर पाएंगे, और साथ में ही डाटा वार्निंग लिमिट को भी आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से वार्निंग लिमिट को भी आप सेट कर सकते हैं। तो हम 500 MB वार्निंग लिमिट आप सेट कर देंगे तो सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप डाटा यूसेज की लिमिट को सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।